चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दोराले में ऐसा कोई सीन? दोराले में ऐसा कुछ नहीं, दोराले में देखता आदमी काम। अच्छा, सुविधा का हम तो यही सुविधा चाहते हैं, यहाँ साफ सफाई हो, नालों पालों की सफाई हो अच्छी तरीके से, लाइट वाइट की सुविधा हो, और क्या यही है नगर पालिका का काम। भाजपा ये है अंजू गुप्ता। अंजू गुप्ता? हाँ, नहीं कब, ये भी मार्केट में है, टक्कर देंगे काफी। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में है और जिला मेरठ के ये नगर पंचायत दोराला है। मैं आपको बता दूं कि दोराला का मेन अड्डा है यहाँ पर, और आसपास जो दुकानें हैं हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार नगर पालिका चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय बन रही है। तो आइए चलते हैं। दिनेश जी, किस तरह का माहौल है दोराला में नगर पंचायत चुनाव? बड़ा शांतिप्रिय माहौल है जी, कोई वो नहीं है, ना आपस में लड़ाई ना झगड़ा, बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। और मेरे हिसाब से जो जीत देवेंद्र जी की है। देवेंद्र जी किसी परसेंट तो मैं उसकी मान। पार्टी से है या निर्दलीय? कौन सी पार्टी से भैया? इसका हल्का निशान है। हल्का निशान निर्दलीय होंगे। पिछले जो पूर्व चेयरमैन है उनके काम कैसे रहे आपके हिसाब से? पास चेयरमैन उसका भी अच्छा काम रहा, जैसे साफ सफाई बन रहा, लेकिन अगर रुक उसका भी बन रहा, कुछ पब्लिक उसके भी ज़्यादा कह रही है और इसे भी ज़्यादा कह रही है। अब दो पलड़े हैं, देखो कौन से पे वजन ज़्यादा आता है, कौन से पे कम आता है। ये पब्लिक का हक का हिसाब रुक होता है एक दिन पहले। हाँ, जैसे कई कई लोग भाई ये तो क्षेत्रीय नेता देखते हैं या फिर पार्टी देखते हैं, तो दोराले में ऐसा कोई सीन? दोराले में ऐसा कुछ नहीं, दोराले में देखता आदमी काम। आप क्या सुविधा चाहते हैं? चेयरमैन जो होगा देखा जाएगा, आप क्या सुविधा चाहते हैं आपके हिसाब से? जैसे आप यहाँ दुकानें लगाते हैं, काम करते हैं, आपके आप भी तो चाहते होंगे ना कि कोई सुविधा हो प्रशासन से, नगर पालिका से, इस तरह की सुविधा तो यही है, साफ सफाई हो जाए, पानी वानी सबको पिला जाए, और क्या है यहाँ पानी पीने वगैरह की कुछ व्यवस्था हुई है? यहाँ पे जो है एक आध वो लग जाए फ्रिज और पानी के लिए, गर्मी अभी नहीं है कोई ऐसा, भाई एक लगा था यहाँ पे कोई उगट के चला गया है यहाँ से। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है जी। शाहिद भाई, क्या लग रहा है, कैसे देखते हो? ठीक है, माहौल बढ़िया है हमारे का, या कोई दिक्कत? इलेक्शन का जोर हमारे, हमने आपसे बताया, हमारे तीन पार्टी में इलेक्शन फंसा हुआ है। बताइए थोड़ा कौन कौन सी पार्टी है? तो ये देवेंद्र हैं, एक रिजनेश है और एक ये पंडित है। तीन पार्टियों का इलेक्शन जबरदस्त है हमारे, आप ये नहीं कह सकते फाइट में कौन सा है। और चौथे नंबर पर ये भी आ रहा, ये भी फाइट में आ सके, फूल वाला भी, फूल वाला भी, ये भी फाइट में आ सके। कई बार ऐसा होता है लोग भाई उम्मीदवार नहीं देखते, पार्टी देखते हैं, कोई तो होती है, जैसे भाई राज्य में भी सरकार है बीजेपी की, फाइट में हो सकता है, राज्य से मतलब नहीं, मतलब फाइट में जो पोजिशन इलेक्शन की दिन पे दिन बदलती जा रही है, अभी इलेक्शन में कई दिन है, इलेक्शन बदले टाइम में, टाइम तक बदले इलेक्शन, अब देखो फाइट में ये भी आ सके। आप ऐसी कौन सी सुविधा चाहते हैं? यहाँ तो कुछ क्या सुविधा है, ऐसी कुछ भी सुविधा नहीं, साफ सफाई हो रही है बस, ये है अपना, पानी की यहाँ सुविधा है ही नहीं, तो पानी जा रहे हैं, नलवे चले जाओ, आप चले जाओ पीने के लिए, केला पानी मिलेगा तुम्हें, पानी की लगी थी यहाँ से टंकी होगी साली उखड़ कर चली गई, पानी पीने को मिलता ही नहीं यहाँ लोगों को। शौचालय वगैरह है आप लोगों के लिए, जैसे कोई शौचालय वगैरह की? शौचालय है, पेशाब भी नहीं करवा कर, पेशाब भी नहीं कर सकते उसमें तुम। क्यों ऐसा क्यों? गंदगी नहीं, साफ सफाई नहीं है, गंदगी है इसके अंदर, शहर का कूड़ा भी इकट्ठा होता होगा, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं? उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए तो गाड़ी लगी हुई है, कूड़ा तो उठ रहे हैं, सफाई भी हो गए, ये शौचालय की सफाई नहीं होती, एक सुबह होगी बस शाम तक कुछ। तो जैसे नगर पालिका के काम होते हैं भाई, स्टेडियम हो, खेल का मैदान हो, ऐसा कुछ नहीं, पार्क वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हो। चलिए, आप क्या सुविधा चाहते हैं? अब आप जैसे यहाँ काम करते हैं, आपके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? सुविधा का हम तो यही सुविधा चाहते हैं, यहाँ साफ सफाई हो, नालों पालों की सफाई हो अच्छी तरीके से, लाइट वाइट की सुविधा हो, और क्या यही है नगर पालिका का काम, पानी की व्यवस्था हो, बाहर की पब्लिक आवे, शौचालय की व्यवस्था हो, यही है और क्या है। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम? सुमित। सुमित भाई, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? क्या चुनाव? चुनाव तो भैया दो की तीन ही टक्कर चल रही है। तीन किन किन में रहेगी? हल्की है, हद्दी की है और उसकी है टंकी की। टंकी की? हाँ जी। अच्छा, और भी कई सारे लोग हैं पार्टी के भी, बड़ी पार्टियों से भी, और तीन का जोर चल रहा है तो भाई तीन का। तो अभी कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया? चेहरा तो भैया हल्का चल रहा है, तकड़ा हल्का। हल से कौन है वैसे? चौधरी। चौधरी, चौधरी मतलब नाम क्या है? नाम क्या होगा? देविंदर। देविंदर, देविंदर। और जो पूर्व जो चेयरमैन रहे उनके काम कैसे रहे? उनके काम अच्छे रहे,
काम हुआ कभी? बढ़िया अच्छा काम करे वाला। चलिए आप यहाँ दुकान लगाते हैं, अपने लिए कोई सुविधा बताइए नगर पालिका ने। हमारे लिए सफाई होती है, हर सुबह शाम को जो कबाड़ा मिलता है जी, सब देख रहे ट्रोलिंग भर का, सफाई बढ़िया होती है। पानी की सुविधा है कोई? पानी की सुविधा भाई नलका वलका सब खराब हुए पड़े। हाँ तो जी नहीं, वैसे ही फ्रीजर लगाती है नगर? नहीं नहीं, एक फ्रीजर लग रहा, वो वहाँ जाकर लग रहा, पर इंजा कोई सुविधा नहीं पानी की, फ्रीजर की। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। सुनील भाई, क्या लग रहा है, चुनाव है कस्बे में, क्या माहौल है? चुनाव में जी कुछ नहीं पता लग रहा आज के टाइम में, कौन जीत रहा है कौन हार रहा। चुनाव ज्यादा बड़ा है, एरिया बड़ा है, इस बारे में कुछ नहीं पता लग रहा। किसी को कह रहा है ये होगा वो होगा, नहीं पता लग रहा, बस। तो क्या थोड़ा सा किन में रह सकते है, भाग दौड़ किन में रह सकते है? मेरे हिसाब से तो रजनीश देवेंद्र पाल में रहेगी। क्या नाम बताया? डीके। डीके डीके भाई, क्या लग रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन में है चुनाव मेरठ का, अलग अलग नगर पंचायत है, क्या देख रहे हैं आप, कैसा रहेगा माहौल? माहौल तो बढ़िया चल रहा है जी, बिल्कुल मजा आ रहे हैं माहौल में। अपना जगह जगह रुक के उतर रहे पब्लिक, इधर टेढ़ी बेढ़ी हो रही है, पर टक्कर तो इसमें बराबर ही चल रहा है सबका इलेक्शन, क्यों सब मेहनत कर रहे हैं। मेरी राय से तो जो भी आपका चेयरमैन बना है, सबसे पहले खोके उठवाए जा, यहाँ से लेके इन पुलवाड़ी बनवाई जा, जो खोके वाले इन्हें पुलवा जाए पुल पार, मायने दुकान दी जा, मेरी राय तो है जी। नगर पालिका से सुविधाएं क्या आप चाहते हैं? नगर पालिका सुविधा ये चाहे जी, हम जो साफ सफाई रहे यहाँ से, कि दुराले का नाम होवे, पानी का छिड़काव होवे, जो ये ठेले वाले जैसे ये मतलब कि हमारे दुकानदार है छोटे छोटे, इन्हें दुकान मिले, जैसा पोलोटेक्निक खाली पड़ा हो, एक डेढ़ कई बीघे जमीन है, इसमें एक दुकान बनवा के पगड़ी पे दी जाए, बस यही सुविधा चाहिए जी। मतलब क्या नाम आपका? नाम अरुण। नाम तो अरुण भाई, ये बताओ कस्बे में सुविधाएं कैसी है आपके यहाँ? नगर पालिका चुनाव है जैसे, तो सुविधाएं कैसी है कस्बे की, बिजली पानी रास्ते सड़कें इस तरह की चीज़ें कैसी है आपके यहाँ? अभी तक तो सर सब सही चल रहा है जी। अच्छा। और जो जैसे चेयरमैन साहब थे उन्होंने काम भी अच्छा करा यहाँ पे, नवीन शर्मा जी जो थे, और अभी तक तो हमने जैसा यहाँ मार्केट में रहते हैं, यहीं की हमारी वार्ड नंबर 7 में है, आगे आगे गली में, तो अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो पंचायत की अंदर की सड़कें वगैरह ठीक है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ठीक है। तो आपके यहाँ कई लोग प्रत्याशी मैदान में हैं चुनाव के, ऐसा चेयरमैन के लिए आप क्या देख रहे हैं, कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग होंगे? अक्सर जितनी मुँह बात जितने मुँह होते हैं उतनी बात होती है, कोई तो बताता है कि देवेंद्र चौधरी हो जाएगा, कोई कहता है रजनीश, और कोई कहता है कि नवीन। आप तो इधर के निवासी है, क्या जनता है मार्केट के? अब मार्केट के हिसाब से मनो तो फिर नवीन शर्मा जी हैं। नवीन शर्मा जी, ये मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अच्छा। और गांव के हिसाब से हम गांव में तो रहते हैं, हमारी यहाँ के हैं। चलो जा रहे थे नवीन शर्मा आपके जी, ये निर्दलीय है या किसी पार्टी से है? ये कौन? निर्दलीय है जी। और भाजपा से है जैसे, उनका कुछ बना? भाजपा से ये है अंजू गुप्ता। अंजू गुप्ता, हाँ जी। नहीं कब, ये भी मार्केट में है, टक्कर देंगे काफ़ी। अच्छा भाई, जैसे कई बार लोग उम्मीदवार नहीं पार्टी देखते हैं कई बार। हाँ। लोग तो उसका असर रहेगा कि भाई पार्टी को लोग? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अब कुछ बिरादरी का भी जाति का भी फर्क पड़ जाता है। वही वही, मान लो मैं चौहान हूँ तो मैं सोचूंगा मैं चौहान को दूंगा, आप चौधरी हो तो आप सोचेगा चौधरी, ये भैया आएंगे शर्मा तो वे सोचेगा मैं तो नवीन शर्मा को दूंगा। लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए अंजू गुप्ता जो, अब जैसे गुप्ता है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जिला मेरठ के कस्बा दुराला में थे, और दुराला का ये झंडा चौक बाजार है, बस अड्डा है यहाँ पर। यहाँ के आसपास के लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि दुराला नगर पंचायत में क्या चुनावी माहौल है, लोगों का अलग अलग लोगों की राय है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।